बड़ी ही मजेदार एडजस्टमेंट, और ऑलमोस्ट अब खत्म ही होने वाली है। बाकी छोटी मोटी तो चलती रहेंगी, बट 99% इसके साथ खत्म हो जाएंगे एडजस्टमेंट्स। 99%, नॉट 100%। ध्यान से देखना, ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉसेस जर्नल में भी हमने करा था। अब नॉर्मल लॉसेस किन्हें बोलते हैं? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। अब आप कुछ बोल रहे हो? नो, अदर देन नेचुरल कॉजेस। ठीक है ना, सिर्फ नेचुरल कॉजेस ही नहीं है। नेचुरल कॉजेस होते हैं जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे है, कि जैसे पेट्रोल है वो इवेपोरेट होगा ही होगा। आपका पोल्ट्री फार्म है तो अंडे थोड़े बहुत फूटेंगे फूटेंगे। आपका पानी का बिजनेस है, केमिकल्स का बिजनेस है, तो वेस्टेज होगी ही होगी। वो होते हैं नेचुरल। अदर देन दैट वो होते हैं अब नॉर्मल। अब नॉर्मल अननेचुरल, चोरी हो गई, वो तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं ना, वो नेचुरल इवेंट थोड़ी ना है कि ये तो होना ही था, होने को कौन टाल सकता है। वो होते हैं नेचुरल इवेंट्स। चोरी होना, एक्सीडेंट होना, आग लगना, ये प्रिवेंटेबल है कि नहीं है? है प्रिवेंटेबल, तो इनके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस भी करा सकते हो। तो ध्यान से देखना, अब नॉर्मल लॉसेस, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होती है जो भी अब नॉर्मल लॉस हुआ, लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, जो भी अब नॉर्मल लॉस है। और ट्रेडिंग अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन परचेजेस अकाउंट। दो ऑप्शन कैसे? एक ऑप्शन है कि आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे दिखा दो कि इतना सामान आपका डिस्ट्रॉय हो गया। एक है कि परचेजेस में से ही माइनस कर दो। जैसे ध्यान से देखना, जब आपने सामान खरीदा तो परचेजेस में उसको एज एन एक्सपेंस दिखाया होगा। अब आपने एक्सपेंस दिखा रखा था 1 लाख रुपए का, 1 लाख की परचेजेस थी, 10,000 का सामान डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, अब आप उसको अब नॉर्मल लॉस मान रहे हो, लॉस बाय फायर अगर आग लगी है तो। आप 1 लाख में ऑलरेडी वो 10,000 इंक्लूडेड था खर्चे में, आपका 10,000 का नया खर्चा हुआ, या जो ऑलरेडी आपने सामान खरीदा हुआ था उसमें से 10,000 डिस्ट्रॉय हो गए? सर जो ऑलरेडी खरीदा हुआ था गुड, जो ऑलरेडी खरीदा हुआ था वही डिस्ट्रॉय हुआ है। तो अब यहां तो परचेज में से हटा दो, उसको लॉस बाय फायर में दिखा दो। अगर आपने परचेजेस में पूरा दिखा रखा है तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसको ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दो पहले, कि उतना सामान ट्रेडिंग में क्रेडिट पे क्या आता है? जो सामान बिक गया, जो सामान बच गया, या जो सामान डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहां तो आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे दिखा दो। ट्रेडिंग क्रेडिट क्यों हो रहा है? उतने से आपके एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहे हैं। परचेजेस क्रेडिट क्यों हो रहा है? उतने से आपके एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहे हैं। तो दोनों में लॉजिक तो सेम ही है, या तो आप डायरेक्टली परचेज में से माइनस करके दिखा दो, या आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे दिखा दो। यहां पे ऑप्शन है अब नॉर्मल लॉसेस में। तो पहली एंट्री तो यही है, अगर आग लगी है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, चोरी हुई है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट। इसको बोलते हैं कॉमन एंट्री। कॉमन एंट्री मतलब ये एंट्री तो पास होगी ही होगी। इसके बाद देखेंगे कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे, तो ये तो हो गई कॉमन एंट्री। उसके बाद हम देखेंगे कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस बिजनेस को ही बेयर करना पड़ेगा, कोई क्लेम नहीं मिलने वाला आपको। तो उसकी एंट्री होती है आपका अब नॉर्मल लॉस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जो भी आपका अब नॉर्मल लॉस था। नहीं, ध्यान से देखना,
पहली एंट्री थी अब नॉर्मल लॉस टू परचेजेस और अब नॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग, उसमें आपने क्या किया परचेजेस में से रिवर्स कर दिया या ट्रेडिंग में क्रेडिट पे दिखा दिया कि इतना सामान जो आपने खरीदा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो बिजनेस एक्सपेंस में से परचेज में से हटा दो, एक नया लॉस क्रिएट हुआ अब नॉर्मल लॉस के नाम से। अब वो जो अब नॉर्मल लॉस है वो किसको बेयर करना है, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है फर्म को, तो अब नॉर्मल लॉस डेबिट क्यों हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, इसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो चले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रीटमेंट क्या हुई, एक बारी ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देंगे और एक बारी पीएनएल में डेबिट कर देंगे, या फिर एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस कर देंगे या पीएनएल में और एंड पीएनएल में डेबिट कर देंगे। परचेज में से माइनस करना या ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर दिखाना, उसमें आपकी मर्जी है, दोनों बातें इक्वल है, आप स्कूल में जो फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, कुछ आपको पता नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देना, बट बेटर रहेगा पूछ लेना कि उनको क्या प्रेजेंटेशन चाहिए, दोनों का लॉजिक सेम है बट फिर भी वो देखना चाहेंगे जो उन्होंने आपको बताया है। इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड, पूरा का पूरा लॉस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। केस टू, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, ध्यान से देखना, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड हैं तो क्या होगा, जितना भी लॉस हुआ जो आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया उतने से आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। टू, जो भी आपका अब नॉर्मल लॉस है वो रिवर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, क्लेम रिजेक्टेड, जितना क्लेम रिजेक्ट हुआ वो फर्म को लॉस बेयर करना पड़ेगा, पीएनएल में डेबिट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी को क्यों डेबिट किया, जितना उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये आपके लिए क्या बन गए हैं, एसेट्स, आपके रिसीवेबल्स, आपने पैसे लेने तो उतने एसेट्स बढ़ गए इसलिए डेबिट। अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट क्यों हो गया, वो तो दिखा रहे हो आप, रिवर्स कर रहे हो, बेसिकली आपने अब नॉर्मल लॉस डेबिट किया हुआ था। अब जैसे सैलरीज है, एक्सपेंस जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज, तो उसमें सैलरीज क्रेडिट हो रहा है, सर वो तो इनकम थोड़ी ना डेबिट होना चाहिए, अरे भाई वो डेबिट हो चुका था, अब तो बस उसकी ट्रांसफर एंट्री है, तो ये तो इसकी ट्रांसफर एंट्री है कि पीएनएल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, लॉस ऊपर डेबिट हो चुका है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, वो डेबिट था तो ट्रेडिंग में क्रेडिट किया या परचेज में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद वो लॉस जो हुआ वो आपका इंश्योर्ड था या अनइंश्योर्ड था, अनइंश्योर्ड था, पूरा का पूरा लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर इंश्योर्ड था तो फिर आप देखेंगे आपका कितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, इसको दिखाएंगे कहाँ इंश्योरेंस कंपनी को, हम एसेट्स में, कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट्स में। जितना क्लेम रिजेक्ट हुआ वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, ये लॉस जितना भी आपका टोटल था वो अकाउंट क्लोज हो जाए। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, गेन कोई नहीं हुआ, आपका सामान डिस्ट्रॉय हुआ, क्लेम जो एक्सेप्ट हो गया, रिसीवेबल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, अगर लिखा है बड़ी क्लियरली मिल चुका है तो उसको कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस में ऐड करके दिखाते हैं। अगर लॉस जो क्लेम रिजेक्ट हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अभी मैं वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल वन, व्हेन द गुड्स आर अनइंश्योर्ड, और कुछ मेंशन नहीं है इंश्योरेंस के बारे में तो अनइंश्योर्ड ही माने जाएंगे गुड्स। ट्रायल बैलेंस में दे रखा था परचेजेस 5 लाख और एडजस्टमेंट में बताया गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, सेलिंग प्राइस 150 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो परचेजेस तो 5 लाख आ जाएंगे, ओके। पॉइंट है जो ये अबनॉर्मल लॉस होता है, लॉस बाय फायर, ये ट्रांजैक्शन 1 लाख पे दिखाएंगे या 150 पे, कॉस्ट प्राइस पे, ध्यान से देखना। ऑप्शन वन, व्हेन अबनॉर्मल लॉसेस इज एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस, तो कैसी प्रेजेंटेशन होगी, एडिंग अकाउंट ओहो टू परचेजेस,
कितनी परचेजेस थी? 5 लाख. आप इसी में से माइनस करके दिखा देंगे लॉस बाय फायर, आग लगी है, तो नेट क्या रह गया? 4 लाख के डेबिट्स. ऑप्शन वन. ऑप्शन टू कह रहे परचेजेस में से मत एडजस्ट करो, परचेजेस आप एज इट इज रहने दो. परचेजेस में आप एज इट इज रहने दो. क्रेडिट साइड पे पहले आप सेल्स दिखाते हो, फिर आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, उसके बाद दिखा दो बाय लॉस बाय फायर. नेट इंपैक्ट क्या रहा? 4 लाख के डेबिट्स, 5 लाख डेबिट किया, 1 लाख क्रेडिट कर दिया, नेट इंपैक्ट तो 4 लाख डेबिट ही रहेगा. तो अब ये तो पहली एंट्री थी कि आपने या तो परचेज में से माइनस किया या ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड. अब जो लॉस हुआ है, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस फर्म को बेयर करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर. कितना लॉस हुआ था? 1 लाख. तो एडजस्टमेंट 2 बार आ गई 1 लाख की. कोई भी डाउट? समझ आई बात? यस सर. अगर गुड्स अनइंश्योर्ड थे, अगर गुड्स इंश्योर्ड थे तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ट्रायल बैलेंस में दे रखा था परचेजेस डेबिट, ओके, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम. तो इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट कर दिया, इसका मतलब 40% रिजेक्ट कर दिया. तो 1 लाख का 60% 60,000 आपको मिल जाएंगे, 40,000 आपको नहीं मिलेंगे. तो ध्यान से देखना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो पहले तो कॉमन एंट्री आती है, वो तो आपके पास ऑप्शन है. टू परचेजेस 5 लाख लेस लॉस बाय फायर. एक ऑप्शन परचेज में से एडजस्ट करके दिखा दो, दूसरा आप अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो. गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रीटमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है. तो ये तो कॉमन एंट्री होती है कि यहाँ पे तो एडजस्टमेंट होगी ही होगी. अब आती है बात कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे. इंश्योर्ड थे 60% क्लेम मिला, तो 40% नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो आपका लॉस है. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 लॉस बाय फायर. आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्या आता है? क्लेम रिजेक्टेड. 40% मतलब 40,000. बैलेंस शीट में एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनी ब्रैकेट्स में क्लेम एक्सेप्टेड कितना? 60,000. कोई भी डाउट? नो सर. बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस. हमारी सीक्वेंस के हिसाब से क्या नंबर हो गया है हमारा? 16. स्वीट 16. ध्यान से देखना.